हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा सिंह आज बनाने जा रही हूँ नवरात्र में या किसी भी व्रत में खाने के लिए साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी वैसे तो सभी बनाते हैं, लेकिन मेरे पास ये रिक्वेस्ट आती है कि साबूदाने की खिचड़ी हमारी चिपक जाती है। अब देखिए मैं किस तरह से खिचड़ी को बनाती हूँ। मैंने ये साबूदाना भिगो रखा है और ये कम से कम 12 घंटे भिगोया है और देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट हो गया है। अब मैं सबसे पहले इस साबूदाने को चलनी में छानकर इसका पानी निकालूंगी और जो मुझे सामग्री चाहिए वो मूंगफली के दाने, एक आलू कटा हुआ छोटा छोटा, थोड़े से काजू, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ता, जीरा, लाल मिर्च पिसी हुई और व्रत का नमक। अब मैं सबसे पहले साबूदाने को छान करके थोड़ा इसका बिल्कुल पानी निकालने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए मैंने साबूदाने को इस तरह से चलनी में डालकर रख दिया है। जब तक हम मूंगफली और काजू भूनेंगे तब तक हमारा साबूदाने का पानी अच्छे से निकल जाएगा। अब मैं सबसे पहले कढ़ाई के नीचे गैस जलाकर 2 चम्मच घी डालूँगी। घी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें सबसे पहले मूंगफली के दाने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूंगी। ये हमको धीमी आग पर ही फ्राई करने हैं, नहीं तो मूंगफली के दानों में कच्चापन रह जाता है। मूंगफली भून चुकी है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी कढ़ाई में मैं ये काजू भी हल्का सा भून लूंगी। काजू भी भून चुके हैं, मैं इनको उसी प्लेट में निकाल रही हूँ। कढ़ाई के नीचे मैं गैस बंद कर रही हूँ और ये जो मूंगफली के दाने मैंने भुने थे इसमें से मैं आधे दाने मिक्सी में दरदरा पीस लूंगी। हमको इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही पाउडर बनाना है और मैंने थोड़े से दाने रोक लिए हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से इसका दरदरा पाउडर बना लिया है और मैं ये कटोरी में निकाल रही हूँ। अब मैं कढ़ाई में सबसे पहले जीरा डालूंगी, करी पत्ता, अदरक और हरी मिर्च ये डाल रही हूँ। जो मैंने आलू काट के रखे थे वो मैं इनमें डालकर फ्राई करूंगी। ये आलू मैं धीमी आग पर फ्राई करूंगी जिससे ये गल भी जाए और हल्का सा इनका कलर भी बदल जाए। ये आलू भून चुके हैं, अब मैं इसमें से एक पीस निकालकर चेक करती हूँ कि गल गया है कि नहीं। ये देखिए आलू अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ।
और ये जो साबुदाना मैंने छलनी में रखा हुआ था, देखिए इसका पानी खूब अच्छे से निकल चुका है। अब मैं ये इसके अंदर डाल दूंगा। फ्लेम मैंने बिल्कुल सिम करी हुई है और मैं इसको इस तरह से चला रही हूँ। इसी समय मैं इसमें ये मूंगफली का पाउडर भी मिक्स कर दूंगी। खिचड़ी में मैंने अभी पानी नहीं डाला है, मैं इसको ढक करके बिल्कुल भी सिम करके गैस तब पकाऊंगी। मैं इसमें अपने स्वाद के अनुसार आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। खिचड़ी को हम बिल्कुल धीमी आग पर पकाएंगे जब तक कि इसके दानों का कलर ना बदल जाए। ये देखिए साबुदाने का कलर बदल चुका है और हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और ये जो मैंने काजू और मूंगफली के साबुदाने रखे थे वो भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और आधा नींबू मैं इसमें निचोड़ूंगी। ये आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए साबुदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। इसके दाने बिल्कुल अलग अलग हैं और ये बहुत अच्छी बनी है। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरी चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितनी अच्छी और खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। ये बहुत हेल्दी है, लाइट भी है और ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली इन सब चीज़ों से भरपूर है और ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू।